हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। इस वीडियो में हम वाई जेड पैरामीटर से, जो कि टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर आता है, एक और प्रॉब्लम देखेंगे। इसके पहले हमने एक और प्रॉब्लम किया था, तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो वाई जेड पैरामीटर्स निकालने के लिए हमें एक गिवन सर्किट दिया होगा, टू पोर्ट नेटवर्क होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं वाई पैरामीटर का स्टैंडर्ड इक्वेशन। वो होता है I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। उसी तरह Z पैरामीटर होता है V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो यहां पर हम केवल इस Y पैरामीटर का ही उपयोग करेंगे, और इसका यूज करके हम Z पैरामीटर को भी निकाल लेंगे। इसका इक्वेशन हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ Y पैरामीटर को याद रखेंगे। तो यहां पे एक सर्किट दिया हुआ है, तो इस सर्किट में मैं अज्यूम करके चलता हूं, क्योंकि ये टू पोर्ट नेटवर्क है। यहां पर करंट लेता हूं I1, यहां पर Y2 I2, यहां पर वोल्टेज V1 एंड यहां पर वोल्टेज V2। अब देख पाएंगे कि ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसको भी हम इस नोड पर, इस पॉइंट पर अटैच कर सकते हैं। देखिए इस तरह, क्योंकि इन दोनों के बीच, इसके बीच कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, रेजिस्टेंस या फिर कोई भी एलिमेंट, तो इसको हम एक सिंगल नोड कंसीडर कर सकते हैं। देखिए यहां पर अब हम एक नोड ले सकते हैं V1 और यहां पर एक नोड ले सकते हैं V2। अब इस नोड पे हम KCL लिखेंगे और KCL की हेल्प से उसको सॉल्व करके हम Y पैरामीटर निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पे सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। तो सबसे पहले KCL लिखेंगे पॉइंट किस पे, V1 पे। तो यहां पर KCL हो जाएगा, देखिए I1 V1 पे, I1 क्या है, इनकमिंग, तो माइनस I1 प्लस V1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 2 यहां से इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। I1 प्लस V1 बाय 1 प्लस इसको V1 बाय 2 माइनस V2 बाय 2 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। अब यहां से और यहां से V1 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस I1 प्लस V1 1 प्लस 1 बाय 2 माइनस V2 बाय 2 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए इस I1 को मैं इस साइड ट्रांसफर करूंगा, तो ये प्लस में हो जाएगा I1 इज इक्वल टू, और इसको सॉल्व करूंगा तो मिलेगा 3 बाय 2 V1 माइनस 1 बाय 2 V2। अब इस इक्वेशन को देखिए और वाई पैरामीटर का जो इक्वेशन है उसको देखिए, तो देखिए यहां I1 V1 V2 अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों ही लगभग सेम है, ठीक है। अब कंपेयर करके हम यहां से Y11 की वैल्यू को लिख पाएंगे 3 बाय 2 एंड Y12 की वैल्यू को लिखेंगे माइनस 1 बाय 2। इसका यूनिट होता है महो। तो यहां पर हमने वाई पैरामीटर को निकाला, तो अब बाकी दो वाई पैरामीटर्स को कैसे निकालेंगे, देखिए इस पॉइंट पर नोड लेकर चलते हैं। तो इस पॉइंट पर नोड लेंगे तो इक्वेशन क्या होगा, देखेंगे माइनस I2 प्लस V2 बाय 2 यहां से प्लस V2 माइनस V1 अपॉन 2 V2 माइनस V1 अपॉन 2, और ये एक करेंट सोर्स है जो कि आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग को लिखेंगे प्लस 3 I1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर मैं I2 निकालता हूं तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बाय 2 प्लस V2 बाय 2 माइनस V1 बाय 2 प्लस 3 I1। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये होगा I2 इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लेता हूं माइनस V1 बाय 2 प्लस V2 प्लस 3 यहां से। अब देखिए इस I1 के प्लेस पे, क्योंकि हमें यहां पे I1 नहीं चाहिए, I2 V1 और V2 चाहिए इस इक्वेशन को देखते हुए, तो यहां पर हम I1 का जो ये इक्वेशन है उसको हम यहां पर पुट कर सकते हैं यहां पर। तो यहां पर चलिए इसको पुट कर देते हैं, तो I1 के प्लेस पे 3 बाय 2 V1 माइनस 1 बाय 2 V2 ये पुट कर दिया हमने। अब यहां पर देखिए कुछ कॉमन लेंगे हम, कॉमन कैसे लेंगे, देखिए यहां से और यहां से, तो इस 3 का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर V1 कॉमन लेता हूं, तो V1 कॉमन लूंगा तो 9 बाय 2 यहां से इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 1 बाय 2 यहां से
प्लस वी टू कॉमन लूंगा यहां से और यहां से, वी टू वन माइनस यहां से वन और यहां से थ्री बाय टू। हम आई टू इज इक्वल टू लिख लेंगे इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके, फोर वी वन माइनस वन बाय टू वी टू। आप इसको करके देखेंगे तो इसको अब y पैरामीटर के सेकेंड इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा y21 टू वन इज इक्वल टू फोर एंड y22 टू टू इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो यहां से हमें यहां से और यहां से कंप्लीट y पैरामीटर निकलता है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए, y इज इक्वल टू y11 y12 y21 y22। तो यहां सबकी वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो मिलेगा हमें 3 बाई टू माइनस वन बाई टू फोर एंड माइनस वन बाई टू। तो ये हमारा एक आंसर हुआ। ये क्या निकाल लिया हमने, वाई पैरामीटर। अब इस वाई पैरामीटर की ही हेल्प से हम जेड पैरामीटर को निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम वाई का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 बाई टू इंटू माइनस वन बाई टू माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू माइनस वन बाई टू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 5 बाई फोर। अब z पैरामीटर निकालेंगे, तो z पैरामीटर कैसे निकालेंगे देखिए, उसके लिए लिखेंगे z इज इक्वल टू वन अपॉन डेल y और यहां पर लिखेंगे y22 टू टू माइनस वाई वन टू माइनस वाई टू वन एंड वाई वन वन। इसको कैसे याद रखेंगे देखिए, यहां पर इन दोनों की वैल्यूज को इंटरचेंज कर लेंगे। देखिए यहां पे इंटरचेंज कर लिया और इन दोनों के साइन को चेंज कर लेंगे, यहां पर साइन को चेंज कर लिया। इस तरह इसको याद रखना है। तो यहां पर सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं चलिए, तो वन अपॉन हो जाएगा फाइव बाई फोर और यहां पर इसकी वैल्यूज जब रखेंगे तो ये होगा माइनस वन बाई टू वन बाई टू माइनस फोर एंड थ्री बाई टू। तो z इज इक्वल टू निकलेगा वन अपॉन फाइव बाई फोर है तो इसको लिखेंगे फोर बाई फाइव और जब फोर बाई फाइव का अंदर सबके साथ मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमें z इज इक्वल टू निकल कर आएगा देखिए माइनस फोर बाई टेन, फोर बाई टेन माइनस सिक्सटीन बाई फाइव ट्वेल्व बाई टेन। इसको आप चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा किस फॉर्म में है, z11, z12, z21, z22 जो कि z पैरामीटर है। तो अगर इसको हम कंपेयर करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं z11 इज इक्वल टू माइनस फोर बाई टेन, z12 इज इक्वल टू फोर बाई टेन, z21 इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन बाई फाइव एंड z22 इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई टेन, जो कि हमारा कंप्लीट आंसर होगा, z पैरामीटर होगा। तो इस तरह हमने z पैरामीटर निकाल लिया y पैरामीटर की ही हेल्प से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।